वेलकम बैक टू निधि नाला। आई नो मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाला है, मैं गायब थी यूट्यूब से ऑलमोस्ट। आई एम सो सॉरी, और मेरे पास रीज़न है उसके लिए, आई एम सो सॉरी। सेकेंडली, हमारा ये चैनल 100 सब्सक्राइबर्स हिट कर गया है फाइनली। बहुत टाइम लग गया 100 सब्सक्राइबर्स में पहुंचने के लिए, और मैंने सोचा था कि इसके स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी, 100 सब्सक्राइबर स्पेशल, बट मुझे अच्छा नहीं लगा वो वीडियो। मैंने बनाया, एडिट किया एंड अपलोड भी कर दिया था, बट अनलिस्ट करके छोड़ दिया उसे, बिकॉज आई वॉज नॉट हैप्पी विद इट। तो एनीवे, देखते हैं, कभी फ्यूचर में मन किया तो उसको अनलिस्ट से पब्लिक कर दूंगी। थर्ड, मैं सोच रही थी कि इस चैनल पे अब मैं लैंग्वेज स्विच करूँ, इंग्लिश नहीं, हिंदी में बात करूँगी, बट देर विल बी सबटाइटल्स इन इंग्लिश एज वेल। सो इफ़ यू वॉन्ट इंग्लिश कॉन्टेंट, देन क्लिक ऑन दिस कैप्शन आइकन एंड यू विल गेट इंग्लिश सबटाइटल्स। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ है कि आई नीड टू चेंज माई सेटअप। ये जिस डेस्क पे मैं बैठ के पेंटिंग्स करती हूँ, उसके जस्ट ऊपर एकदम हार्ड लाइट है, तो पेंटिंग्स में से लाइट रिफ्लेक्ट होता है बहुत, एंड ठीक से समझ नहीं आता है वीडियोज़ में, वीडियोज़ अच्छे नहीं बनते। तो अब आई विल ट्राई टू शूट मोर वीडियोज़ इन सनलाइट। ये लास्ट वीडियो होगा यहाँ पे। ये काइंड ऑफ एक एक्सपेरिमेंट वीडियो है, मुझे बताना कि कैसा लग रहा है इस तरह का कन्वर्सेशनल वीडियो। इंग्लिश वाला बेटर था कि हिंदी वाला, क्योंकि हिंदी में मैं वो कन्वर्सेशनल टोन ला सकती हूँ, पर इंग्लिश में वो वीडियो लाइक टोन। तो मुझे बताना कमेंट्स में कि किस तरह का वीडियो सबको ज़्यादा पसंद है, और कुछ आइडियाज़ हो कि हाँ इस तरह के आर्ट वीडियोज़ बनाओ या आर्ट व्लॉग्स बनाओ। ज़्यादा आपको कुछ फ़न वीडियोज़ चाहिए, कोई आइडिया हो, कोई क्रेज़ी आइडिया हो, वो भी चलेगा। तो थोड़ा कॉमेंट कर दिया करो कभी कभार, इतनी भी ज़िद्दी मत बना करो। टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल कि लोग खुद से आए मेरे चैनल में, उन्होंने सब्सक्राइब किया विदाउट मी हैविंग टू गो टू देम कि हाँ सब्सक्राइब करो। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। बट वही कि जब मैं देखती हूँ बाकी के आर्टिस्ट की, वो एक महीने दो महीने के अंदर ही 1000 सब्सक्राइबर्स ले आ जाते हैं उनके, तो थोड़ा इनसिक्योर लगता है। बट या आई नो इट्स अ लर्निंग कर्व, सबका नहीं होता जल्दी, एंड मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दैट बीइंग सेड, चलो अब मोनालिसा के बारे में बात करते हैं। मोनालिसा, ट्रस्ट मी, इतना डिटेल्स मैंने कभी नहीं देखा है मोनालिसा में जितना मैं ये पेंटिंग करते टाइम नोटिस की। डिड यू नो उसका जो हाथ है, इट इज़ रेस्टिंग ऑन सम टेबल लाइक स्ट्रक्चर, जो मैंने आज तक कभी नोटिस नहीं किया था अनटिल मैंने ये पेंटिंग शुरू किया। बैकग्राउंड में मैंने मेनली कलर्स यूज़ किए हैं, एक है मरून, थोड़ा सा ब्लैक इधर उधर मैंने मतलब मिक्स करके ब्राउन करने के लिए मैंने यूज़ किया था, देन लाइट ग्रीन और येलो, ये मेन कलर्स मैंने यूज़ किए। मेरे एक्रेलिक्स का ब्रांड है कैमलिन, जो कि कहीं भी मार्केट में मिल जाता है। अभी मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ मिनी पेंटिंग्स को लेकर। जब मैं ये मोनालिसा बना रही थी तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू कॉपी द इंटायर थिंग ऑन माई मिनी कैनवस, जो कि बेसिकली पॉसिबल नहीं है भाई। उसने कितने सालों का मेहनत के बाद बनाया था मोनालिसा, एंड मैं कुछ घंटों में बना रही हूँ, तो आई वॉन्टेड टू गिव इट माई टच। जब मैं कपड़े कर रही थी, आई हैड टू कीप इन माइंड साड़ी के सारे स्ट्रोक्स कि कहाँ से कौन सा फोल्ड हो रहा है, बिकॉज इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि मोनालिसा एकदम फ्लैट ना लगे। ओह, एंड आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट अ वेरी फन फैक्ट अबाउट मोनालिसा। मोनालिसा का खुद का मेल बॉक्स था जिसमें उसे लव लेटर्स मिलते थे, एंड मेनी ऑफ देम कमिटेड सुइसाइड बिकॉज दे कुड नेवर गेट मोनालिसा इन देयर लाइफ। आई मीन लाइक व्हाट, Who does that? Lucky painting, bro. So yeah, that was it for this video. I really hope आपको ये video अच्छा लगा हो, और थोड़ा chit-chat करते comments में, subscribe कर देना, and I'll see you guys in the next video. Thank you for watching.